कि उनको आंसर करने से काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी सो आई एम गोइंग टू आंसर सो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव योर सेटअप रेडी यू नो द पोजिशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो बट स्टिल वेन यू आर इन द ट्रेड यू मेक रॉन्ग डिसीजन हाउ टू टैकल दैट सो यहां पर लिखा है कि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो आपको पता है कि आपका जो सेटअप है वो बिल्कुल क्लियर है उसके बाद भी जब आपका ऑन गोइंग ट्रेड होता है आप उसको टैकल नहीं कर पाते आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो अगर लॉस चल रहा है तो आप लॉसेस बहुत बड़े तक होल्ड कर लेते हो प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत जल्दी बुक कर लेते हो ऐसा क्यों होता है ऐसा सिर्फ एक रीज़न की वजह से होता है जो कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको लगता है कि आपकी पोजिशन साइजिंग सही है बट वो एक्चुअल में सही नहीं है अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसी जो आपको पैनिक कर रही है अगर वो रेड में जा रहा है आपका ट्रेड और आप पैनिक हो रहे हो ग्रीन में जा रहा है तो आपको थोड़े से प्रॉफिट में आप खुश हो जा रहे हो तो वो पोजीशन साइजिंग गलत है आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो आपको उस लॉस से कोई फर्क ना पड़े क्योंकि वो लॉस इतना छोटा है कि आपको वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा मेंटली ट्रेडिंग में एनालिसिस बहुत छोटा रोल प्ले करता है एग्जीक्यूशन मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि एग्जीक्यूशन में काम आती है आपकी साइकोलॉजी तो आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी ही होनी चाहिए कि जो आपको इम्पैक्ट ना करे अगर प्रॉफिट हो रहा है आप अगर अपने टारगेट से पहले प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो तो आपको वो प्रॉफिट इतना छोटा लग रहा है कि आप उसको बुक ही नहीं करोगे आप बोलोगे कि नहीं मैं तो टारगेट तक वेट कर लूंगा अल्टीन एनालिस की मार्केट में ही आपको कोई रिवर्सल होता हुआ दिख रहा हो ओके okay, तो पोजीशन साइजिंग की वजह से ही सिर्फ ओनली एंड ओनली वन रीजन है ये में जो लोगों में करता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले रहे हो और आपको तो आप लेके देखो या टू हंड्रेड डॉलर से लेके देखो तो हो सकता है कि आपको वो पैनिक ना लगे क्योंकि आपको वो पोजिशन साइजिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सेकेंड हाउ टू क्रिप्टो टैक्से इन इंडिया स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर डिपॉजिट विद्रॉल ट्रेडिंग एन ऑल सो सबको ये डाउट है कि क्रिप्टो करेंसी पे थर्टी परसेंट टैक्स लग चुका है सी अंडरस्टैंड दिस थिंग इवेंचुअली इफ यू आर अर्निंग इन ट्रेडिंग फॉर्स्ट स्ट्रेट वन ईयर मैक्सिमम लोग नाइनटी परसेंट लोग ट्रेडिंग में वो नहीं कर पाते हैं. अगर आप एक साल तक स्ट्रेट ट्रेडिंग में वैसे भी पैसा कमा रहे हो देर इज़ नो प्रॉब्लम गिविंग थर्टी परसेंट टैक्स आपके पास सिंपल विड्रॉल फीचर है आप पी टू पी यूज़ करते हैं या इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं आप सिंपली डिपॉजिट कर सकते हो सिंपली विड्रॉ कर सकते हो इफ़ इवेंचुअली आर अर्निंग मनी अगर आप एक अच्छे इनकम स्लैब में आते हो तो वैसे भी इवेंचुअली यू पे थर्टी परसेंट टैक्सेस

डरस्टुड कि हर एक मार्केट की एक लाइफ होती है बिफोर नाइन्टीज़ इंडिया में ये मार्केट्स वैसे भी ज़्यादा नहीं चलती थी बट नाइन्टीज़ के टाइम पर ये स्टॉक मार्केट का एक पीरियड आया था जहाँ पे जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ फिर केतन बारिक स्कैम हुआ उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम हो गया था हर किसी ने मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया एंड स्टॉक मार्केट्स में पैसा मल्टीप्लाई हुआ स्टॉक्स मल्टीप्लाई हुए बहुत ज़्यादा ग्रो हुए 1990 टू 2018 20 मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्रैश आया मार्केट पूरा रिकवर करा बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट अकॉर्डिंग टू मी अब कहीं ना कहीं शेयर मार्केट सेचुरेशन पे आ चुका है एंड मार्केट को एक नया एसेट चाहिए था ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज इस टाइम पर वॉलेटाइल है एंड इफ आई एम ए इन्वेस्टर आई वे वॉट से कि मैं सारा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में डालूँगा मैं आई विल डिवाइड माई पोर्टफोलियो इक्वली इन टू क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो एंड शेयर मार्किट ऑल्सो बट वेन इट कम्स टू ट्रेडिंग आई नीड मोर वॉलेटिलिटी जो कि मेरे को क्रिप्टो करेंसीज में मिलती है अगेन सेम क्वेश्चंस लेवल सही बनाता हूँ पर पता नहीं चलता कि एंट्री कब करनी है एंट्री के लिए क्या चेक करना होता है सो द प्रॉब्लम इज जैसे ही हम जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कुछ बुक्स में पढ़ लेते हैं कि ये ब्रेकआउट आया या ये ब्रेकडाउन आया आपने फटाफट उसको ट्रेड कर दिया हम टेक्निकल एनालिसिस को ट्रेडिंग को लर्न करने की कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुक्स में जो लिखा हुआ है फ्री यूट्यूब सिखाते हैं या कोर्सेज में जो सिखाते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई बाय कर लो मार्केट इतनी सिंपल नहीं है अगर इतनी सिंपल होती तो हर कोई ट्रेड कर रहा होता हम सबसे बड़ी गलती या करते हैं कि हम एक बारी में 20, 20, 30, 30 करेंसीज ट्रेड करना चाहते हैं वी आर ट्रेडिंग 30, 40 करेंसीज वी हैव अ वॉच लिस्ट ऑफ 30, 40 करेंसीज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर एक करेंसी का एक अलग ट्रेंड होता है एक अलग हैबिट होती है बिटकॉइन अलग तरीके से मूव करता है अलग टेक्निकल्स को फॉलो करता है अलग टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करता है इथेरियम अलग तरीके से मूव करता है बी अलग तरीके से मूव करता है रिलायंस का शेयर अलग तरीके से मूव करता है कई एसेट्स कई टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करते हैं कई नहीं करते हैं अगर मैं एक ही करेंसी पे फोकस करूं और मैं ये समझ लूं तीन महीने मैंने उस करेंसी पे लगाए और मैंने ये समझ लिया कि ये करेंसी किस तरीके से मूवमेंट करती है और किन टेक्निकल्स पे वो किन टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट देती है तो आपको उस करेंसी के बारे में समझ आएगा एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड बेटर प्लीज इस चीज को हमेशा ट्राई करना आई डू दिस पर्सनली अगर मैं किसी करेंसी में ट्रेड कर रहा हूं मतलब मैं उस करेंसी को लास्ट दो से तीन महीने से पढ़ रहा हूं हूँ माइक्रोस्ट्राटेजी जैसा फंड हाउस जो कि इतना बड़ा फंड हाउस है वो सिर्फ बिटकॉइन बाय कर रहे हैं उनके पास हजारों लोग हैं एनालाइज करने के लिए बट वो कोई और करेंसी बाय नहीं कर रहे क्यों वो बेवकूफ है हम एक इंडिविजुअल और हमें करनी है दस करेंसीज में ट्रेड बीस करेंसी पे फोकस करो उसको रीड करो हर पंद्रह मिनट उसको रीड करो समझो कि वो कैसे मूवमेंट दे रहा है एंड देन यू ट्रेड इट ट्रेडिंग तो सीख लें बट कैपिटल का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें क्या करें

सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट अगर आपको पता है कि आपको ट्रेड ऐसे करना है कि आप मार्केट में मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हो आप मार्केट को मूव कर रहे हो अगर आप मार्केट को मूव करते हो तो आप मार्केट को किस तरीके से मूव करोगे कि अगर अभी सारे सेल कर रहे हैं तो मेरा सेल करने में कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि पूरी मार्केट सेल कर रही है मेरा सेल पूरी मार्केट सेल कर रही है तो जो मार्केट मूवर है वो जरूर बाय करेगा क्योंकि सारे सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बाय भी कर रहा है और 90% लोग लॉस करते हैं, 10% जो प्रॉफिट कर रहे हैं तो, है तो वो किस तरीके से डिसीजन लेता अगर मार्केट को मेरे को ऊपर लेके जाना है तो मैं मार्केट में हंड्रेड एक पैनिक क्रिएट करूंगा पहले पूरी मार्केट को मैं सेल के लिए प्रोवोक करूंगा सारे सेलर्स लेके आऊंगा एंड देन मैं एकदम से उनके अगेंस्ट मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा मार्केट मूवर थिंग्स लाइक दिस तो आपके पास चाहे जितनी मर्जी छोटी कैपिटल हो आपकी सोच अगर बड़ी है तो आप छोटी कैपिटल से बड़ी कैपिटल शुड आई क्विट द जॉब एंड फोकस ऑन लर्निंग द क्रिप्टो मार्केट ऐसा कभी भी नहीं करना क्योंकि ट्रेडिंग जब तक आप कर रहे हो बहुत एक्साइटिंग है जब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते हो ये YouTube वीडियोस में बहुत फालतू की चीजें दिखाई जाती हैं कि हम पूरा पूरा दिन ट्रेड कर रहे हैं पंद्रह बीस घंटे ट्रेड कर रहे हैं पंद्रह बीस घंटे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो बट उसमें बहुत ज्यादा बोरियत होती है सब कुछ होता है जब आप स्टार्टिंग करते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की तो आप बहुत ज्यादा लॉसेस भी करते हो आप छे महीने में सात महीने में ट्रेडर नहीं बन सकते अगर छे महीने सात महीने में कोई ट्रेडर बन रहा होता तो पूरी दुनिया ट्रेडिंग कर रही होती ट्रेडर बनने में टाइम लगता है आपके बहुत लॉसेज होंगे आप किसी से कोर्स बाय कर लो आप कोर्स बाय करोगे आप उसे सीखोगे। आपको लगता है कि आप सीख के ट्रेडर बन जाओगे ऐसा नहीं होगा कोई भी कोर्स लेती हो आप ट्रेडर नहीं बनते हो आप एक थियोरिटिकल नॉलेज और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो उसके बाद जब आप खुद मार्केट में उस चीज को अप्लाई करते हो तभी आप सीखते हो उसके बिना आप नहीं सीखोगे और वो प्रोसेस जो है टाइम लेता है अगर आप एक से डेढ़ साल विद डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हो और अगर आपको लॉसेस से इतना इंपैक्ट नहीं होता कि आपकी कोई और सिचुएशन खराब हो रही है क्योंकि होता क्या है कि हमें लॉसेस इतना इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हम ट्रेडिंग फिर तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाते आप चाहकर भी अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगर आपका माइंड ठीक नहीं है अगर आप किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करो जब थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन आए आपको दिन में तीन से चार घंटे देने हैं तीन से चार घंटे दोगे दैट्स इनफ धीरे धीरे आपका मोमेंटम बनना शुरू होगा एंड जब आप मोमेंटम हो जाता है देन यू कैन प्लान कि आपको क्या करना है योर मंथली इनकम सो आई नॉट रिवील दैट वट आई कैन टेल यू हाइएस्ट प्रॉफिट वट आई हैव हैराउंड नाइनटी फाइव थाउजेंड डॉलर इन अ मंथ सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो विल कीप अशन सोन एंड उसमें कुछ और क्वेश्चन इस तरीके के कहेंगे आई विल शोर आंसर दैट थैंक यू गायस वॉचिंग दीडियो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो